ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। मंगलवार को आज एक बार फिर बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 46 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा डॉक्टर चमन लाल को अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर रवि कुमार को भी अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त किया गया है। राज्य सरकार ने सेवा से अनुपस्थित रहने के कारण 7 डॉक्टर्स को बर्खास्त किया है। बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन हुआ है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध संपर्कता मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग में 91 पदों का सृजन किया गया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण स्थापना नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दी गई है। पर्यटन की सुविधा के लिए राज्य कैबिनेट में PPP मोड पर पटना में 3 5-स्टार होटल के निर्माण और संचालन की अनुमति दे दी गई है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 पदों का सृजन किया गया है। बिहार सचिवालय भोजनालय नियमावली को स्वीकृति दी गई है। बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के पदों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन हुआ है। कटिहार में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण करने को मंजूरी दी गई। बेगूसराय में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिली है। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग नीति 2024 को भी अनुमोदित कर दिया गया है। मीठापुर की जमीन पर मेट्रो रेलवे स्टेशन बनेगा। बिहार सरकार ने पटना मेट्रो को जमीन मुहैया करा दी है। 23,52,00,000 की राशि लेकर जमीन दी गई है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की यह जमीन थी। मंत्रिपरिषद में 46 एजेंडों पर निर्णय 46 सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। तब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।